हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गए हम मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ। और हम जानेंगे कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंटरेस्ट स्टॉक्स के बारे में कि वो कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चल के देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आज काफ़ी वॉलेटाइल रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पहले मार्केट में काफ़ी गिरावट आई, फिर थोड़ा सा साइडवेज गया मार्केट, फिर यहाँ डबल टॉप बना के सेकेंड हाफ में एक अच्छी खासी मूवमेंट आई मार्केट में। मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो हायर हाई हायर लो, और ये हायर हाई बनाने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हिडन शोल्डर सभी आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे 43,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 42,500 एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। जैसे कि हमने कल बात किया था कि ये इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। 43,000 अभी भी मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है, और 42,500 अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी शार्प रिकवरी आई है, और इसे वी शेप रिकवरी भी बोलते हैं, और ये लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। तो कल बैंक निफ्टी हमें ट्रेंडिंग दिख सकता है, और हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो 43,000 की कॉल पे काफ़ी हैवी वैल्यूम है, तो ये 43,000 एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर हम पुट में बात करें तो यहाँ पे 42,500 पे काफ़ी हैवी वैल्यूम है, तो 42,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। तो जैसे हमें चार्ट पे भी समझ में आ रहा है कि 42,500 का एक अच्छा सपोर्ट है, और 43,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तो 42,500 तक आएगा। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा तो फिर से डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी आई है। निफ्टी के लिए देखें तो निफ्टी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे 18,200 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और अगर हम सपोर्ट में बात करें तो 18,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे प्राइस काफ़ी देर तक टाइम बिताया है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये हो सकता है। तो 18,200 और 18,000 ये दो इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, और अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर डाउनसाइड ब्रेक करता है तो फिर से हमें प्राइस बॉटम तक जाते दिख सकती है। पर ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं वी शेप रिकवरी है, तो मार्केट ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब देखते हैं अगर इन लेवलों को मार्केट ब्रेक करता है तो कल हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों तो चलिए हम निफ्टी का ऑप्शन चैन देख के पता लगाते हैं कि ऑप्शन चैन के मुताबिक इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। तो अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चैन देखें, 18,200 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और अगर हम पुट साइड की बात करें तो यहाँ पे 18,000 पे एक हैवी वैल्यूम है। तो जैसा कि हमने बात की कि 18,000 और 18,200 ये दो लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर मार्केट इन लेवलों को ब्रेक करता है तो यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम कुछ इंटरेस्ट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक है ICICI बैंक। आप लोग देख सकते हैं ICICI बैंक में काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आप लोगों को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, और बॉटम से ये एक अच्छी खासी रिकवरी है। तो कल आप लोग अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए ICICI बैंक को ट्राई कर सकते हैं। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपका यहाँ तक का होगा। तो अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आप लोग देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक एक लगातार इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता आ रहा है, और आज इस ट्रेंड लाइन के पास काफ़ी टाइम बिताया है, यहाँ पे लगभग 2 घंटे टाइम बिताया है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग दिख सकती है, और आपका पहला टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। और अगर डाउनसाइड इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप लोग सेल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, और आपका ये टारगेट रह सकता है। अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो टाटा मोटर्स में भी अच्छी रिकवरी है। आप लोग देख सकते हैं ये कप एंड हैंडल सा पैटर्न बना है, और यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी टाइम भी बिताया है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको अपसाइड ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये बाइंग के लिए है, अगर इस लेवल को टाटा मोटर ब्रेक करता है तो आप लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। जैसा कि मैंने कल भी दिया था कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है, तो अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपके प्रॉफिट बने होंगे, और आज भी इस ट्रेड को सेल के लिए ही है। अगर प्राइस जाता है रिटेस्ट करने और यहाँ पे लॉन्ग वीक रिजेक्शन मिलती है तो भी इसमें फॉल आ सकता है, तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसे मैंने स्विंग ट्रेड के लिए भी दिया था, तो आपको
आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है BPCL में, आप लोग देख सकते हैं नीचे ये थोड़ा डिसेंडिंग टाइप ट्रायंगल बन रहा है, बट मैं बोलूँगा अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप बाइंग के लिए जा सकते हैं, और बाइंग के लिए पहला टारगेट ये होगा, और अगर ये नीचे साइड ब्रेक करता है तो आप लोग यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा भी ट्रेंड लाइन के पास है और ये धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो बाइंग ट्रेड लेके आप पहला टारगेट इसको बना सकते हैं। दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक कौन सा है। तो अगला स्टॉक है आयसर मोटर, आप लोग देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं करता हूँ, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में काफ़ी बेहतरीन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का बना है। इसमें अपसाइड ब्रेक होता है तो आपका पहला टारगेट ये हो सकता है, और अगर ये डाउनसाइड ब्रेक होता है तो आपको पहला टारगेट ये देखने को मिल सकता है। दोस्तों तो ये मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।